अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पंजाब पुलिस में भर्ती की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको शौक है पंजाब पुलिस में भर्ती होने का, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। और ये भर्ती कब शुरू होगी, भर्ती का प्रोसेस क्या होगा, ये हम आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बगैर सर्च किए आप तक पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं आपके साथ वीडियो शुरू करने लगा हूँ। पंजाब पुलिस ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए थानों में नफरी पूरा करने के लिए 22,000 कांस्टेबलान भर्ती की दरख्वास्त कर दी। दोस्तों, बहुत बड़ी भर्ती हो रही है, 22,000 कांस्टेबल भर्ती किए जा रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। लाहौर समेत पंजाब भर में दिन ब दिन बढ़ता हुआ क्राइम पर पुलिस ने कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को अदादोशुमार में उलझाने के लिए बड़ी तादाद में नफरी मांग ली है, ताकि थानों में तैनाती करके कमी को पूरा किया जा सके। इस हवाले से लाहौर समेत पंजाब के लिए 22,000 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की समरी हुकूमत को भिजवा दी। पंजाब भर में 1,42,000 कांस्टेबल्स के मंजूरशुदा सीटें हैं, 37,000 कांस्टेबल थानों में, जबकि बकिया सिक्योरिटी और VVIP की ड्यूटियों पर तैनात हैं। हेड कांस्टेबल्स की 12,000 से ज़्यादा मंजूरशुदा सीटें हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र तमाम अजलास मसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,17,000 मजीद नफरी की ज़रूरत है। पहले मरहले में 22,000 कांस्टेबल्स की भर्ती की इजाज़त दी जाएगी। हुकूमत की जानब से भर्ती के लिए एक अजलास मुनक्कद किया जा चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।